तो इस बीच आपको बता दें कि इंडिया न्यूज के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर अस्पताल का जायजा लिया है। आप रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते और खेड़ी की दौला पुलिस ने फर्जी अस्पताल का भांडा फोड़ करने में सफलता हासिल की है। मैं सिर्फ गुरुग्राम के खेड़ी की दौला थाना क्षेत्र के इलाके में हूं और ये वो अस्पताल है जिसका नाम ARC हॉस्पिटल है। बता दूं कि काफी लंबे समय से यहां चल रहा था, 14 बेड का ये अस्पताल है और सबसे हैराने वाली बात यह है कि काफी लंबे समय से इसको अस्पताल को चलाया जा रहा था मगर इसके एक भी कागजात पूरे नहीं है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि कहीं ना कहीं मिलीभगत की जो बू है इस अस्पताल से जरूर आ रही है, क्योंकि किसी अस्पताल की इमारत का इस तरीके से चलना और उसके बावजूद भी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ना होना किसी अस्पताल, और आरोप ये भी है कि जो इसके डॉक्टर हैं उनके पास भी किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है। ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं जब रेड जो है आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ते द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते व गुरुग्राम खेड़ की दौला पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है। पूरे अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि लग्जरी सुविधा के नाम पर लोगों को यहाँ पर उपचार देने की बात कही जाती थी मगर उस उपचार को देने से पहले जो परमिशन विभाग से चाहिए वो परमिशन तक नहीं ली गई, ना कोई लाइसेंस है ना कोई परमिशन है। और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इसके साथ बना जो केमिस्ट है या फिर पैथ लैब है वो भी अवैध चल रही है। हालांकि संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे और जानकारी साझा करेंगे मगर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम के खेड़की दौला इलाके में बना एक ARC अस्पताल है जो कि जिसका कि फर्जीवाड़ा सामने आया है, यानी उसका भांडा फोड़ किया गया है। फर्जीवाड़ा कर यानी कागजों के साथ फर्जीवाड़ा कर अपने आप को ऑथराइज अस्पताल बता रहा था मगर जब कागजों को चेक किया गया तो अस्पताल फर्जी निकला है। यानी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने इस फर्जी अस्पताल का भांडा फोड़ करने में आज सफलता हासिल की है। अब बताया ये भी जा रहा है कि 3 से 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और ऐसे में अब जो ड्रग कंट्रोलर है उनको भी इत्तला दे दी गई है, वो आकर के केमिस्ट और उस पर रखी जो दवाइयां हैं उनकी जानकारी जुटाएंगे क्या वो फर्जी हैं या फिर उसका लाइसेंस है या नहीं, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। मगर फिलहाल ये जरूर पुष्टि कर दी गई है कि जो अस्पताल है उसके पास ना तो कोई लाइसेंस है और जिसमें डॉक्टर जो काम कर रहे हैं यानी कि जो 14 बेड का अस्पताल है तो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं उनके पास ही बताया जा रहा है कि जो डिग्रियां हैं वो उस तरीके की नहीं है जो कि एक रेगुलर होती हैं डिग्रियां, उसमें भी संदेह नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं फर्जी डिग्रियों के दम पर ही कोई अस्पताल को जो है चला रहा था, फर्जी ही कागजों के दम पर अस्पताल को चलाया जा रहा था, जिस पर आज एक बहुत बड़ी रेड मुख्यमंत्री उड़न दस्ते और खेड़ी दौला पुलिस द्वारा की गई है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, कैमरामैन दिनेश के साथ इंडिया न्यूज़।